नमस्कार आदाब। आपने देखा कि आज जो कोलार से एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था विधायक रामेश्वर शर्मा के नेतृत्व में, काफ़ी विशाल वाहनों के साथ ये रैली शहर के 32 स्थानों से गुजरी और जगह जगह उसका स्वागत हुआ। इसी क्रम में हमारी ये महिला मोर्चा की कुछ बहनें, जो आप इनकी वेशभूषा देख सकते हैं, देश से ओत प्रोत, कितने तिरंगे से उनकी पगड़ियाँ हैं, कितने अच्छे उनके वस्त्र हैं, एक संदेश देते हुए हम सब एक हैं, हमारा नारा भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई की ज्योत जगाते हुए, ये एक पूरा मंडल वो है हमें यहाँ वीआईपी रोड पर मिला है। बहुत ही खुशी का मौका है। हमारे बीच सभी हमारी कुछ बहनें हैं, हम उनसे पूछूंगा ज़रा सा। बहन जी, कैसा लग रहा है आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोगों ने तो आज का दिन नहीं, मतलब मैं तो आज़ादी का जो पूरे साल इंजॉय करती हूँ मैं इस चीज़ को, सच में। मैं बाहर भी गई थी, बाहर देशों में मैं जा चुकी हूँ, तो मैंने वहाँ भी देखा जो भारत का जो एक वो है ना, वो किसी भी देश का नहीं है, ये तो मैं बोल सकती हूँ अच्छे से। मैडम, हर घर तिरंगा सजा दिया गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और हम मोदी जी का बहुत आभार करते हैं, जिस चीज़ का पहले हम लोग बहुत डरते थे तिरंगा हाथ में लेने में, कि ऐसा ना हो कि कुछ हमसे गलती हो जाए, क्योंकि ऐसी भ्रांतियाँ फैला रखी थी कि तिरंगा कोई भी नहीं फहरा सकता। हम लोग बहुत आभारी हैं कि आज हम लोग अपना तिरंगा लेके पूरे शहर में घूम रहे हैं, पूरे जोश से घूम रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। ममता पवार। मैडम, हर नागरिक खुश नज़र आ रहा है, आप लोगों की वेशभूषा से भी आप एक बड़ा संदेश देती हुई दिख रही हैं, क्या बोलती हैं सभी लोगों के लिए? देश के लिए धन्यवाद मोदी जी के लिए, कि जो हम झंडा पकड़े हैं आज उनकी देन है। डरते थे झंडा पकड़ने से, तो आज भारत माता की जय। आज आप लोगों ने रैली निकाली है, कहाँ से कहाँ तक की रैली थी मैडम? कोल्हार से निकली थी ये, मदर टेरेसा स्कूल से निकली थी, सिंधी बैरागढ़ तक। मैडम, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम सभी लोग महिलाएं यहाँ पर, और पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है, तो हम घर में यही संदेश देना चाहते हैं, बच्चा बूढ़ा जवान हो, हर व्यक्ति के अंदर देश की भावना हो और महिलाएं आगे आए, ये मेरा संदेश है। काफ़ी अच्छा उत्साह, हर्षोल्लास आप देख सकते हैं, कितनी चेहरे पे खुशी है, भारत माता की जय के नारों से आज पूरी राजधानी को गूंजा गया है। मैडम, आज पूरी राजधानी भोपाल के अंदर एक विशाल रैली निकाली गई थी, क्या संदेश दिया इस रैली ने? हम सब एक है, ये संदेश दिया है कि हिंदू मुस्लिम सिख है, सब भाई भाई है, कोई अलग नहीं है, बस यही भारत माता की जय। कैसा लग रहा है इस बार आज़ादी कुछ अलग ही रंग दिखा रही है? 75वां साल था, आज़ादी अलग ही दिखेगी। क्या कहते हैं? अच्छा लग रहा जी, कैसा लगा है? अच्छा लग रहा, भारत माता की जय। मैडम, कैसा लग रहा है इस बार 75वीं? बहुत अलग ही को है माहौल सा, ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं राजधानी भोपाल के अंदर पूरी तरीके से एक विशाल रैली है, ये पूरी राजधानी भोपाल के अंदर अमन चैन पैगाम का संदेश देती हुई, आप एक विशाल मध्य बहुत ज़बरदस्त ये रैली है रामेश्वर शर्मा के नेतृत्व में, कोलार से बैरागढ़ तक की ये विशाल रैली, जिसके लिए 5000 से ज़्यादा वाहन भारत माता की जय के नारे लगाते हुए, और आप देख सकते हैं ख़त्म होने का नाम ही ये रैली नहीं ले रही है। धानी तिरंगा में नज़र आ रही, आप देख सकते हैं बच्चों से लेकर बड़ों तक में भारी उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी ने एक विशाल रैली आज पूरे शहर के अंदर निकाली है, वाहन रैली जिसका नेतृत्व रामेश्वर शर्मा जी ने किया, और बैरागढ़ में जाकर इसका समापन इस रैली का हुआ है। काफ़ी खुशी, और इन बच्चों के चेहरों से देख सकते हैं राष्ट्र भावना की एक अलग जगाई हुई, एक अलग ही उनमें खुशी दिख रही है। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम? हेलो, वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? आदित्य। वेरी गुड, नाइस।
मैडम और क्या कहना चाहते हैं? मैं बस सभी देशवासियों से ये अपील करना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने तिरंगे को अपने घर में सम्मान दिया है, पूरे साल उसे इसी सम्मान के साथ रखिए। प्लीज़ अगले दिन ऐसे नहीं कि उसे वेस्ट कीजिए, कहीं भी तिरंगा आपको दिखे उतने ही सम्मान के साथ आप लोग रखिएगा, और मुझे पूरा यकीन है कि पूरी देशवासी इस अपील को ज़रूर मानेंगे। एक कितनी अच्छी बात भी उन्होंने बताया है कि तिरंगे का सम्मान कितना ज़रूरी है, उस पर भी रोशनी डाली गई है कि झंडा वंदन जब हमारा समाप्त हो जाता है तो उसके बाद हमें झंडे का पूरा आदर करना है और उसका पूरा सम्मान करना है। मैं राजधानी से आसिफ खान, गणित न्यूज़ भोपाल।